हमें अपनी आंखों से दूर नहीं करना, हम रो पड़ेंगे मजबूर नहीं करना। अपनों के सताए हैं तेरी शरण में आए हैं, अपनों के सताए हैं तेरी शरण में आए हैं, क्योंकि बाबा हारे का तू है सहारा सवरे, हमने भी तुमको पुकारा सवरे। पुकारने आए हो या इंटरटेनमेंट करने आए हो? कौन कौन आया जो मेरे बाबा को मनाने आया है, अपने दिल की बात सुनाने आया है? सीधे हाथ उठाकर और मिलकर कहना आजा रे आजा बाबा अब तो आजा, आजा रे आजा बाबा अब तो आजा, आजा रे आजा बाबा अब तो आजा, आजा रे आजा बाबा अब तो आजा। ओ मेरी लाज बचाने आजा, मेरी लाज बचाने। ये चार लाइनें ऐसी हैं जो मैं चाहता हूं भक्त सीधे हाथ खड़े करके और आपकी आवाज मेरे सामने तक जानी चाहिए, मिलकर कहना मेरी लाज बचाने आजा, मेरी लाज बचाने आजा, मुझे अपने गले लगा जा, मुझे अपने गले लगा जा, वो मुझे लाड लड़ाने आजा, मुझे लाड लड़ाने आजा, आजा रे कन्हैया आजा, आजा रे आजा काना अब तो आजा, आजा रे आजा काना अब तो आजा। ओ मेरी लाज बचाने आजा, मेरी लाज बचाने आजा, ओ मेरी लाज बचाने आजा, मेरी लाज बचाने आजा। अभी तो मेरी शुरुआत है, अगर आपका आशीर्वाद ऐसे मिलेगा तो कैसे बात बनेगी। उठाओ ना सीधे हाथ और आपकी आवाज मेरे बाबा तक जाए, मिलकर कहना अगर आपको लगता है कि अपनी नैया आप खुद पार करते हो तो वो ना बोले, लेकिन जिसको लगता है कि मेरी लाज का बचैया मेरा सांवल सेठ है और आज मेरे सामने है, वो जरूर मेरे बाबा पे विश्वास करके सीधे हाथ खड़े करके बोलेगा। मिलकर कहना क्या, मेरी लाज बचाने आजा, मेरी लाज बचाने आजा, सोया सोई तकदीर जगाने आजा, सोई तकदाने आजा, मुझे अपने गले लगा जा, मुझे अपने गले लगा जा, सांवरिया मेरे आजा, आजा रे आजा गाना अब तो आजा, आजा रे आजा गाना अब तो आजा। सीधे हाथ उठा के मिलकर ताली बजाना, जा जा बोलिए खाटू नरेश की जय जय, बोलो श्याम प्यारे की जय हो। और कहना थक गए नैन मेरे रसता निहार के, थक गए नैन मेरे रसता निहार के, प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के, थक गए नैन मेरे रसता निहार के,
प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के। जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा, जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा, ओ जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा, जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, आएगा मेरा सांवरिया। आपको पता है ये कीर्तन क्यों करवाए जाते हैं? भैया मुझे थोड़ा सा रास्ता दे दोगे यहाँ से, ताली बजाओ ना। पता है ये कीर्तन क्यों करवाए जाते हैं? क्योंकि प्रभु राम ने जब शबरी ने राह तकी तो प्रभु राम ने उसको दर्श दिखाया और दर्श दिखाकर सबसे बड़ा उत्तम उपहार दिया नवदा भक्ति बतलाकर। और नवदा भक्ति में जो सबसे पहले भक्ति बताई वो बताई कीर्तन की, कि कीर्तन में आप कीर्तन कर लीजिए, आपको तपस्या करने की जरूरत नहीं है, दान करने की जरूरत नहीं है, आपका बेड़ा पार होना निश्चित है। और आज वही कीर्तन है। और इस कीर्तन का दूसरा अभिप्राय ये है कि एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता साहब, लेकिन ना जाने किसके प्रबल भाव से मेरा सामरा रीझ जाए और ये सारे शाम प्रेमी तर जाएं। इसलिए मिलकर कोई ये ना सोचे ये बोल रहा है, ये सोचे कि मुझे भी बोलना है, उसको भी बोलना है, पूरे समाज को बोलना है, उठा के सीधे हाथ और बुलाना सामरे को, कहना क्या, ओ, 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 कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, बोलिए कब आएगा मेरा सांवरिया। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, ओ जाने कब आएगा मुझे अपना बना, अपना बनाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। उठा के सीधे हाथ, कब आएगा मेरा सांवरिया, 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 कब आएगा मेरा सांवरिया। बोल खाटू नरेश की। और मिलकर कहना, भर दे रे शाम झोली, भर दे भर दे, क्या रखा है बातों में, क्या रखा है बातों में, ओ भर दे रे शाम झोली, भर दे, क्या रखा है बातों में, रखा है बातों में। और मिलकर कहना क्या, ओ कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आनो है, कीर्तन की कोई कारण होगा जो आपके सुने सुनाए भजन में आपको सुना रहा हूं ताकि आप मेरे बाबा को सुना पाए। सभी मिलकर ताली बजाकर कहना, कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आनो है, कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आनो है, कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आनो है, ओ थाने कोल निभानो है, कीर्तन की है रात।
कीर्तन की है रात बाबा आज ताने आनो है कीर्तन की है रात ओ कीर्तन की है रात बाबा आज ताने आनो है थन को निभानो है कीर्तन की है रात कीर्तन की है रात बाबा आज ताने आनो है कीर्तन की है रात के प्रभु तुझे फूल चढ़ाऊं तो भमरे का झूठा तुझे दूध चढ़ाऊं तो बछड़े का झूठा और 10-20-150 तेरे चरणों में चढ़ा दूं तो वो भी तुझसे रो रो कर मांगे हैं आखिर प्रसन्न कैसे करूं ताली बजाओ ना प्रसन्न करने का तरीका नंदू जी महाराज ने इस भजन में लिखा है और हमारे शास्त्रों में भी यही वर्णित है मिलकर ताली बजाकर कहना कीर्तन की है त्यारी कीर्तन करा जमकर प्रभु क्यों देर करो कीर्तन की है त्यारी कीर्तन करा जमकर प्रभु क्यों देर करो भजना सुथाने ब्रह्मन आज रिझानो है भजना सुथाने भजना सुथाने मन आज रिझानो है भजना सुथाने मन आज रिझानो है धन कोल निभानो है कीर्तन की है रात कीर्तन की है रात बाबा आज ताने आनो है कीर्तन की है रात। अब बताइए आपको लगता है कि प्रभु को किसी और तरीके से भी मनाया जा सकता है किस किस को लगता है कि भजनों के माध्यम से मेरा बाबा जरूर मानेगा सीधे हाथ उठाकर मिलकर आनंद के साथ ताली बजाना 1-2-3-4 जय जय नारियों की सेवा देते रहना बोल खाटू नरेश की कौन कौन मानता है ये भजन है या अरदास जो अरदास मानता है वो ताली जरूर बजाना और बाबा को निमंत्रण देना बाबा बस आपसे सुनना चाहता है कि कब आप अपने अपने वो भाव मेरे बाबा के लिए रखें और मिलकर कहना क्या हो दरबार सांवरिया कैसो सजो प्यारो दयालु आपको दरबार सांवरिया कैसे सजो प्यारे दयालु आपको सेवा में सांवरिया सकड़ा खड़ा डीके हुकम बस आपको सेवा में सांवरिया सकड़ा जानो है सेवा में थारी सेवा में थारी माने आज बिछ जानो है धन कोल निभानो है कीर्तन की है रात कीर्तन की है रात बाबा आज ताने आनो है कीर्तन की है रात आ जा रे
कहना कि प्रभु हमारे उठने में, हमारे पाठ में, हमारे पूजा में अगर कोई त्रुटि हुई हो पूरे मंडल की तरफ से, पूरे समाज की तरफ से, तो क्षमा करना, क्योंकि हम ना मीरा है, ना ध्रुव है, ना प्रहलाद है, ऐसी भक्ति और ऐसी दृढ़ता हमारे अंदर नहीं श्याम कि जो हम तुझे रिझा पाए, तुझे मना पाए। आगे वालों मिलकर ताली बजाना और कहना क्या, जो कुछ बनो मासू अर्पण प्रभु सारो, प्रभु स्वीकार करो, जो कुछ बनो मासू अर्पण प्रभु सारो, सभी बोले प्रभु स्वीकार करो, वो नादान सुगलती होती कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात।